गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर नंबर टू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज द नेम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास लैंड लेबर कैपिटल और इंटरप्रन्योनरशिप उनकी उनको कैसे बांटना है उनकी जो चॉइस है उनको कैसे चॉइस में रखना है उसकी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम अन्य शब्दों में इन अदर वर्ड्स द प्रॉब्लम कंसर्निंग द चॉइस ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब कि जब रिसोर्सिस की चॉइस में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसकी डेफिनेशन दी है सर लेफ्ट विच ने अकॉर्डिंग टू हिम अकॉर्डिंग टू लेफ्ट विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द यूज ऑफ स्क्योर्स अमंगनेटिव यूज अल्टरनेटिव ह्यूमन वांट्स एंड इन यूजिंग दीज रिसोर्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ सेटिसफाइंग ऑफ एज फुली एज पॉसिबल मतलब कि रिसोर्सिस को इस तरह से यूज करना इस तरह से अल्टरनेटिव तरीके से भी यूज करना कि व्यक्तियों की जो ह्यूम की वांट्स को है उसको हम सेटिस्फाई कर सकें कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नेक्स्ट है हमारा वट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या कॉजेज है इसके कारण है इसके तीन अनलिमिटेड वांट्स हमारी अनियंत्रित इच्छाएं सेकेंड है इसकी लिमिटेड और स्किल्स मीन्स मतलब की जो मीन्स होते हैं जो साधन होते हैं वॉन्ट्स को फुलफिल करने के वो लिमिटेड होते हैं या स्किल्स स्केर मीन्स टफ टू फाइंड थर्ड वन है इसकी अल्टरनेटिव यूज अल्टरनेटिव यूज मतलब की जो चॉइस हम लोग चॉइस जब रख लेते हैं किसी चीज में तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव यूज़ सबसे पहले आई हमारी अनलिमिटेड जो हमारा ह्यूमन नेचर है उसकी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है कोई भी आदमी अपनी इच्छाओं को नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल वांट्स फुली अपनी इच्छाओं को फुली मतलब मतलब वो अपने आप को फुली सेटिस्फाई नहीं कर पाता है वांट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी फुली सेटिस्फाइड एट अ गिवन टाइम सारी ही सोसाइटी के जितने भी लोग होते हैं उनको उनकी इच्छाओं को हम एक टाइम पर फुलफिल नहीं कर पाते हैं जैसे कि कुछ समय पहले जो कलर टीवी था वो कोई कोई लोग या सोसाइटी में कोई कोई व्यक्ति ही उसकी डिमांड करता था लेकिन आज के टाइम में हर एक व्यक्ति जो है वो कलर टीवी या मोबाइल का आप एग्जाम्पल ले लो मोबाइल नई टेक्नोलॉजी जो भी आती है वो हर एक व्यक्ति जो है उसको पूरी करने की इच्छा रखता है तो वो जो सारी इच्छाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं अनलिमिटेड है लिमिटेड और स्क्य मीन्स मतलब कि इच्छाएं तो हमारी काफी हैं लेकिन उसको पूरा करने के साधन जो है वो लिमिटेड है मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस सेटिस्फाइंग

एक अन्य कारण जो है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का है वो अल्टरनेटिव यूज है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मिल्क है मिल्क की जो आइटम्स हैं मिल्क के साथ जो जो चीज़ें बन सकती हैं वो वो है आइसक्रीम जैसे आपका कर्ड हो गया चीज़ पनीर हो गया रसगुल्ला वगैरह लेकिन जो मिल्क है वो तो एक ही है ठीक है तो उससे कितनी सारी आइटम्स बन सकती हैं वो भी एक प्रॉब्लम है आदमी एक चीज बनाए कि दूसरी तो ये जो अल्टरनेट इस इस चीज में जो चॉइस आती है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव यूज स्केयर गुड्स आर आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स स्केयर गुड्स मतलब कि दुर्लभ वस्तुएं ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स इकोनॉमिक गुड्स वो होती हैं जिसको हम पैसे से खरीदते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या चीज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिगार्डिंग एज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिकॉज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव है जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूज हैं इफ लैंड कुड बी यूज टू ग्रो वीट अगर जमीन को भूमि को हम लोग सिर्फ गेहूं के लिए ही यूज कर सकते हैं तो उसको यूज करो वहां क्या प्रॉब्लम आती है लेकिन लैंड में जो है वो गेहूं के अलावा चावल को भी उगाया जा सकता है तो आप लोगों ने गेहूं उगाना है या चावल उगाना है इसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एक इकॉनमी की मुख्य प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी रेफर्स टू दैट सिस्टम बाय विच पीपल कैन अर्न देयर लाइवहुड मतलब कि इकॉनमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पीपल जो लोग हैं वो अपनी दिनचर्या या अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं एंड सेटिस्फाई देयर वांट्स और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं एवरी इकोनॉमी फेसेस सम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हर इकॉनमी जो है वो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को फेस करती है प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनॉमी इन प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनॉमी एवरी इकोनॉमी हैज टू फेस फॉलोइंग थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स तीन मुख्य सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वन है हमारी वट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड मतलब कि क्या चीजें हैं जो हमारे को प्रोड्यूस या उत्पादित करनी चाहिए और हाउ मच द सेम दी प्रोड्यूस और कितनी मात्रा में वो प्रोड्यूस करनी चाहिए हाउ मच टू हाउ टू प्रोड्यूस मतलब सेकेंड प्रॉब्लम आई कि उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए और थर्ड है हमारी प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस किस के लिए वो चीज जो है वो उत्पादित की जाए फर्स्ट वन है हमारी वर्ड टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस मतलब कि कौन सी चीजों को प्रोड्यूस किया जाए जैसे कि हमारे पास कंज्यूमर गुड्स होती हैं जो कि होती हैं शुगर वी घी ये जो होती है हमारी कंज्यूमर गुड्स होती हैं कैपिटल गुड्स होती है हमारे पास कैपिटल गुड्स सिमिलरली जो हमारी बार टाइम की गुड्स होती हैं राइफल्स गन्स टैंक्स इन सबको हम बोलते हैं बार गुड्स वार गुड्स मतलब कि लास्ट है हमारी पीस टाइम गुड्स पीस टाइम गुड्स मतलब कि जब शांति के समय में जो गुड्स यूज की जाती हैं उनको जैसे ब्रेड एक्सेट्रा उनको उनको प्रोड्यूस किया जाए कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए या फिर बार गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए या फिर कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए मतलब कि किस चीज को प्रोड्यूस किया जाए इकोनॉमी की एक ये समस्या है फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड है समस्या वेन एन इकॉमीड टू वट गुड्स एंड सर्विसूस मतलब जब एक इकोनॉमी ये डिसाइड कर लेती है कि उसको कौन सी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना है तो उसको उसकी क्वांटिटी के बारे में भी डिसीजन लेना पड़ता है जैसे कि अगर कोई इकोनॉमी कंज्यूमर गुड्स को ही प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी कैपिटल गुड्स जो है वो रह जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इकॉनमी क्लोथ और वीट के ऊपर ही अपना सारा बजट जो है खत्म कर दें ठीक है अपने सोची जो उस पर ही खत्म कर दें एट अ गिवन टाइम लेकिन फिर हमारी मशीनरीज का क्या होगा मशीनरीज को कैसे उत्पादित करेंगे हम अगर हमने कंज्यूमर गुड्स पे ही अपना सारा पैसा खत्म कर दिया है तो इस चीज सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए इकोनॉमी को क्या डिसीजन लेना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस कौन सी चीजों को प्रोड्यूस करना है नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्रॉब्लम है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस की जाए चीजें ठीक है तो फॉर होम टू प्रोड्यूस द थर्ड ब्रांच ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर टू टू प्रोड्यूस दिस प्रॉब्लम हैज मतलब इस प्रॉब्लम के दो एस्पेक्ट मतलब की दो पार्ट हैं फर्स्ट एस्पेक्ट है हमारा द फर्स्ट एस्पेक्ट रिलेट्स टू रिलेट्स टू पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एक इंडिविजुअल और या एक हाउस होल्ड को कैसे वो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ठीक है सेकेंड है हमारे पास द सेकेंड एस्पेक्ट सेकेंड पार्ट है ऑफ द प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स टू द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम फेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट इज कंसर्न द नॉलेज ऑफ नॉलेज एज टू हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्शन अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एलोकेट किया जाए इस चीज को ये भी एक हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है नेक्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर होता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी एक्सप्लेन विद द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर जिसको हम बोलते हैं पीपीसी इट इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन मतलब कि ये जो कर्व है ये अल्टरनेटिव अल्टरनेट प्रोडक्शन को शो करता है ऑफ टू गुड्स दो वस्तुओं की एट अ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जो हमारे पास प्रोडक्शन की टेक्निक्स वगैरह दी गई होती हैं उसके थ्रू जब दो चीज़ों की प्रोडक्शन में अल्टरनेट लाया जाए उसको हम बोलते हैं पीपीसी दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट इफ मोर ऑफ गुड्स एक्स इज टू बी प्रोड्यूस देन फैक्टर विल हैव टू विन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय मतलब कि जैसे कि वीट को हम लोगों ने ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो जो राइस के फैक्टर प्रोडक्शन है उनको हम लोगों को वीट या गुड एक्स की तरफ को ट्रांसफर करना पड़ेगा तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स को हम कहते हैं पीपीसी ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर अकॉर्डिंग टू सेम्युल्सन इकोनॉमिस्ट हैं सेम्यूल्सन उन्होंने इसकी डेफिनेशन कैसे दी हुई है

तरीके से कैसे प्रोड्यूस किया जाए उसी को हम बोलते हैं पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर इसके एजम्पन्स कुछ मान्यताएं हैं एजम्शन को हम फीचर्स भी बोलते हैं और फीचर्स ऑफ पीपीसी ये जो कंसेप्ट ऑफ पीपीसी है ये चार एजम्पन्स के ऊपर डिपेंड है नंबर वन है इसकी फिक्स्ड क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट ऑफ फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स जो फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स हैं हाउ एवर दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अदर मतलब कि एक दूसरे की बस जो उत्पादन होता है उसमें से एक मतलब चेंज या ट्रांसफर उसको कर सकते हैं ठीक है सेकेंड है फुलर एंड एफिशेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सिस जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको फुली तरीके से उनको यूटिलाइज करना है Okay. जो सेकेंड है इसकी एजंक्शन और फीचर थर्ड है इसकी कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसकी चेंज नहीं होगी वीट के लिए भी वही फैक्टर प्रोडक्शन यूज किए जाएंगे राइस की प्रोडक्शन uh, के लिए भी वही फैक्टर प्रोडक्शन यूज किए जाएंगे ठीक है फोर्थ इसकी फीचर है टू गुड्स इट इज एज्यूम्ड दैट ओनली टू गुड्स और टू सेट ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ये इसी चीज के ऊपर बेस है कि कोई भी इकॉनमी दो चीजें टू गुड्स या सेट ऑफ टू गुड्स को प्रोड्यूस करेगी नेक्स्ट हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी पीपीसी की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है नंबर वन है पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट पीपीसी स्लोप्स जो है वो डाउनवर्ड होता है जो कि लेफ्ट टू राइट बनता है इट इज बिकॉज क्यों क्योंकि इन अ सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सिस जब आप लोगों को रिसोर्सिस यूटिलाइजेशन करने के लिए बोला जाता है प्रोडक्शन ऑफ द बोथ गुड्स कैन बी इंक्रीज दोनों चीजों की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सकती है मोर ऑफ गुड्स गुड एक्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली विद ऑफ गुड बाय जब एक्स गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो जो बाय गुड है उसमें उसकी प्रोडक्शन कम होगी तभी जाके जो गुड एक्स है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी ठीक है तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक चीज के लिए दूसरी चीज को सेकेंड प्रॉपर्टी है पीपीसी इज द पॉइंट ऑफ द रीजन कनकेव मींस अंदर को अंदर की तरफ को ठीक है जो कर्व बनता है वो इसका अंदर की तरफ को बनता है पीपीसी क्यों क्यों बिकॉज प्रोड्यूस ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वाई विल यूनिट बाई वी सेक्रीफाइस बिफोर अगर एक्स गुड ज्यादा उत्पादित करनी है तो बाई गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो इस, इस, यही कारण है कि जो पीपीसी कर्व है वो पीपीसी जो है वो कनकेव टू द पॉइंट ऑफ द रीजन नेक्स्ट टर्म है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ मतलब कि जैसे कि आप लोगों को वीट ज़्यादा उगाना है ठीक है और आप लोग राइस को सेक्रीफाइस कर रहे हो तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ है जो सेक्रीफाइस किया जाता है उसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज सेक्रीफाइस बिकॉज क्रीफाइड द अपॉर्चुनिटी टू यूज इट इन अनदर यूज नेक्स्ट है मार्जिनल ऑपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर वही चीज है इट रैफर्स टू दैट फॉल इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी एक्ट्स मतलब की जब एक्स की कमोडिटी को ज्यादा बढ़ाना है हमने तो बाई की कॉमोडिटी को क्या करना पड़ेगा उसमें फॉल आएगा जो वो फॉल आएगा उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थैंक यू